हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू निशाज वर्ल्ड। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत आजकल ग्रीन सब्जियां आ रही हैं, बहुत मज़ा आता है कभी घुटवा साग बनाने का, कभी उसको चिकन में या मटन में डालकर बनाए। पर आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ साग की भुर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने साग में क्या क्या डाला है। पर मैंने सरसों का साग 500 ग्राम लिया है, 250 ग्राम मैंने पालक लिया है, 100 ग्राम मैंने बथुआ लिया है और 100 ग्राम ही मैंने मेथी ली है। और ये मैंने 2 शलगम लिए हैं, ये भी मैं डालूंगी। पहले क्या होता था कि शलगम पत्ते वाले आते थे, पर आजकल शलगम ऐसे आते हैं, तो मैं दो शलगम इसके अंदर काट के डालूंगी। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 प्याज लिए जिसको मैंने चॉप कर लिया, 12 से 15 मैंने गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं उनको भी मैंने चॉप कर लिया, और 2 इंच मैंने अदरक ली है उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पर मैंने 5-6 हरी मिर्च लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया, और मैंने टमाटर लिया है 1 छोटा वाला जिसके मैंने सीड्स अंदर से बिल्कुल निकाल दिए और उसको मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पर मैंने हींग रखी है, स्वाद के लिए नमक रखा है, पानी रखा है, डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, ये मैंने 1 स्पून तेल मैंने इतने 1 किलो साग के लिए डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साग बनाना। तेल जैसा कि मैंने गरम कर रखा है, सबसे पहले हम यहाँ पर गार्लिक डालेंगे। जैसे ही गार्लिक थोड़ा सा कलर लगेगा कि पिंक हो गया है, यस, प्याज डालेंगे। प्याज और इसको एक साथ हम लोग ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन और प्याज लेते हैं, वो पूरा ब्राउन होना चाहिए। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हींग कभी भी डायरेक्ट तेल में नहीं डालते क्योंकि उसके जलने के आसार होते हैं, यहाँ पर मैंने पिंच भर हींग भी डाली है। यस, जब ये थोड़ा सा हो जाएगा सब ब्राउन हो जाए, फिर हम अदरक को ऐड करेंगे क्योंकि अदरक बहुत जल्दी नीचे लग जाती है, जलने लगती है। यस, इस समय हम अदरक ऐड कर देंगे। जैसे ये सब चीज़ें भुनने के लिए रेडी हो जाती हैं, बहुत अच्छी किचन में खुशबू आती है और इससे साग का टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। चलाते भी रहिए क्योंकि अदरक डाली हुई है, वो नीचे लगनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं अदरक को बाद में ही डालना प्रेफर करती हूँ। इस साग को भुर्जी बनाने के लिए सिर्फ अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा टमाटर, और टेस्ट के लिए नमक और हल्का सा हींग डालती हूँ मैं पिंच भर। ये साग मटन के साथ भी बहुत टेस्टी बनता है, चिकन के साथ भी अच्छा बनता है। मैं बहुत जल्दी आपको मटन और साग भी शेयर करूंगी आपके साथ उसकी रेसिपी। यस, अब ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं तो हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। हमारे घर में ज़्यादातर भुर्जी बनती थी, घुटवा साग इतना ज़्यादा कोई खाना पसंद नहीं करता था, भुर्जी बनती थी। इसके साथ हम मक्के की रोटी बनाते थे और साथ में छाछ बनाते थे। चलिए ये भी ब्राउन हो गया,
आपने देखा अदरक लगने लगती है नीचे। अब हम टमाटर भी डाल देंगे। और सबसे पहले हम ये शलगम, शलगम डालने से बहुत अच्छी साग में, भुर्जी में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अब हम साग को ट्रांसफर करेंगे धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि मिक्स हो जाए। जब ये नीचे दब जाएगा तब मैं नमक डालती हूँ। अभी मैंने तेज पे ही रखी हुई है आंच। यस, अब हम नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालिए क्योंकि ये भुर्जी एकदम थोड़ी हो जाएगी। जब पक जाए तो आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कोई पानी नहीं डालना, ये साग, ये भुर्जी अपने ही पानी में पकेगी और इसको मैं मीडियम लो फ्लेम पर कर दूंगी। अब हम वेट करते हैं, 10 मिनट में ये सब्जी हो जाएगी। ये खोल के देखते हैं, अभी 5-4 मिनट हुए हैं, फिर भी देखते हैं। यस, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए इसी के पानी में ये पूरा साग गलेगा। तो अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, मैंने खोल के देखा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में, मम्मी के घर में हम लोग घुटवा साग नहीं खाते थे, ये भुर्जी बनती थी, नहीं तो मटन या चिकन में डालकर साग बनता था। पर मुझे और मेरे हस्बैंड को घुटवा साग बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर में बनाती हूँ, मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है वो। इस तरह से भी आप जब बनाएंगे ना तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि बहुत टेस्टी लगता है। और क्या है, ग्रीन सब्जी बहुत हेल्दी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको आलू सोया बनाना बताया, मैं एक सोया और दाल भी बनाती हूँ, मूंग की दाल डालकर, वो भी सूखा मैं बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खोल के देखते हैं फ्रेंड्स। वाह, सब्जी एकदम बन गई है। मैंने 6 मिनट के बाद ये खोल के देख लिया, बस पानी इसका सूखना चाहिए और चटकानी अच्छी तरीके से चाहिए, तब मज़ा आता है। पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। और आपने देखा, ये अपने ही पानी में पूरी सब्जी बनी है। फ्रेंड्स, खुला पकाने के बाद अब ये बिल्कुल सूख गया है पानी इसका, और खूब चटक गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ आप भी ट्राई करेंगे। अब मैं इसको प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, साग की भुर्जी एकदम रेडी है। जितना अंदाज से मैंने डाला है उसका मेजरमेंट मेरे को पता है कि वही होता है। अगर आप ज़्यादा, 500 ग्राम से ज़्यादा बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट मेजरमेंट आप आगे की चीज़ें भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत इजी साग बनता है ये। और इसको मक्के की रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, और होममेड रोटी के साथ खाइए। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। चलिए, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।